नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया है। ताजपुरी एसोसिएट जी लिखते हैं, कैप लगवाने के बाद ठंडा लग रहा है, तो आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो कैप है जब घिसी गई होगी वो डेंटाइन तक पहुंची होगी। हमारे दांतों के ऊपर जो ऊपरी परत होती है जिसे इनेमल करते हैं, वो परत है यानी कि इनेमल हमारे दांत की रक्षा भी करती है, उन्हें एक कठोर सुरक्षा परत भी देती है। जब ये परत किसी कारण से हट जाती है या हटा दी जाती है, उन परिस्थितियों में डेंटाइन तक बैक्टीरिया जाकर अटैक करते हैं। भाई कोई चीज भी है, अगर वो सुरक्षा में है तो सुरक्षित रहेगी, और अगर सुरक्षा हटा दी जाती है तो उस पर अटैक हो सकता है, उसे दर्द महसूस होगा। ऐसा ही दांतों के साथ होता है। तो जब आपके दांत को घिसकर कैप लगाई गई तो वो डेंटाइन तक पहुंची हुई होगी और उसके कारण आपके दांत में ठंडा गर्म पानी भी लगेगा, और ये लगभग 1 से 2 हफ्ते तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो दांत के बीच में एक सीमेंट लगा जाता है, जो कैप और दांत के टॉप में एक सीमेंट लगा जाता है, जिससे कि कैप आपके दांत पर अच्छी तरह से चिपक जाए, मजबूती से पकड़ ले। तो जब तक वो सही से अपना स्थान ग्रहण करके फुल टाइट नहीं होगा तो ये फीलिंग आपको आती रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कैप आपकी मजबूती से उस स्थान पर बैठ जाएगी और आपको ये ठंडा गर्म पानी लगने की शिकायत नहीं रहेगी। अगर इसके बावजूद भी आपको रहती है तो आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, और हमारे चैनल पर निरंतर वीडियो आती रहती है जिसमें आपको घर पर ही कुछ करने हेतु नुस्खे बताए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं। भाई विदेशी में बोलो तो टेक्नोलॉजी बताई जाती है, और इंडियन लैंग्वेज में देसी भाषा में बोलो तो जुगाड़ बताए जाते हैं, और भाई वैसे बोलो तो आयुर्वेदिक उपचार सबसे बेस्ट है। तो चाहे आप इसे टेक्नोलॉजी कहिए कामयाब है ये, चाहे इसे जुगाड़ कहिए ये भी कामयाब है। भाई नमक के अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं वो आपके दांतों के जो बैक्टीरिया उन्हें खत्म कर देता है, और घुला हुआ नमक यानी कि पानी गर्म पानी में घोलकर जब आप इससे गरारे करते हैं तो आपके गलों को आराम देता है, आपके आवाज में जो भारीपन होता है उसे ठीक करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। गले में भी यही होता है, कुछ बैक्टीरिया जाकर आपके वोकल कार्ड पर बैठ जाते हैं जिसके कारण आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होता है, उसमें अंतर आ जाता है, भारी हो जाती है, पतली हो जाती है, पर नमक का घोल वहां जाकर बैक्टीरिया को भगा देता है और आपके गले की आवाज साफ हो जाती है। उसी प्रकार ये नमक का घोल आपके दांत को भी आराम देता है, और धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, यानी कि दर्द आपको अब नहीं होगा या हो रहा होता धीरे धीरे कम होता जाएगा। भाई आयुर्वेदिक चीज़ों में यही कारण होता है कि असर करती हैं, स्थायी करती हैं, पर धीरे धीरे करती हैं, पर हम लोग समय नहीं दे पाते या हमें बहुत जल्दी होती है, हमें तो ऐसा चाहिए कि गोली मारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। अंग्रेजी दवा तुरंत आपको आराम देगी पर साथ में साइड इफेक्ट का एक इनाम भी देगी जो आपको आगे चलकर बहुत परेशान करने वाला है। तो इसी आस के साथ कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन में घरेलू नुस्खे घरेलू उपाय अपनाएं और स्वस्थ रहें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।